अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बहुत सारे लोग इस कन्फ्यूजन में रहते हैं कि अगर हमारी एक्सीडेंट हो जाती है, हम गिरते हैं, हमें चोट आती है, तो हम टेटनस का इंजेक्शन लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, कब लगाएंगे और ये क्यों लगता है। तो आज हम इसको डिस्कस करते हैं कि जब आप लोगों को चोट आती है और जब आप लोगों को कि एक्सीडेंट हो जाती है और उसमें चोट आती है, तो आप लोगों को एक इंजेक्शन लगाया जाता है जिसका नाम है टेटनस टॉक्साइड्स। अब ये क्या चीज़ है? तो ज़मीन पे एक जरासीम रहती है, एक बैक्टीरिया रहती है, उसका नाम है क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई। जब आप लोगों को चोट आती है और आप लोगों की खून का इंट्रैक्शन ज़मीन के साथ होता है, तो ज़मीन से ये जरासीम आप लोगों के जिस्म में चला जाता है और वहाँ पे इन्फेक्शन बनाता है, और उसी इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए ये एक वैक्सीन है जो आप लोगों के लिए लगाना ज़रूरी है। अब ये वैक्सीन अगर हम ना लगाए तो हमें क्या असरात हो सकते हैं जिस्म पे? तो असरात में आप लोगों को सर में दर्द हो सकता है, बुखार हो सकता है, पसीने आ सकते हैं, जिस्म में शदीद दर्द हो सकता है, पट्टों में अचानक सी मरोड़ आ सकती हैं, काने में मुश्किलात हो सकते हैं, आप लोगों का ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, हार्ट रेट, दिल का धड़कन ज़्यादा हो सकता है। तो ये इसके असरात हैं। अब बच्चों के लिए किस टाइम हम ये इंजेक्शन लगा सकते हैं? बच्चों के जो हिफाजती टीके हैं उसमें ये इंजेक्शन लगता है, और अगर कोई बूस्टर डोजेज़ लगाना चाहते हैं तो उसकी तीन डोजेज़ हैं। तीन डोजेज़ 7 साल से पहले पहले आप लगाएंगे। पहला टीका जब लगेगा उसकी 4 से 8 हफ्ते बाद आप लोग दूसरा टीका लगाएंगे, और दूसरी टीके के लगाने के 6 या 12 महीने बाद आप लोग तीसरा डोज लगाएंगे। जब तीन डोजेज़ पूरे होंगे उसके बाद आप लोगों के यानी बच्चों के जिस्म में एंटीबॉडीज़ बनती हैं, और वो एंटीबॉडीज़ 10 साल के लिए जिस्म में रहते हैं। उस टाइम में अगर आप लोगों को चोट आती है, बच्चों को एक्सीडेंट हो जाती है, कुछ भी होता है, तो उसमें फिर टीटी लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। इसके बाद ये चीज़, ये कन्फ्यूजन भी है कि हम तो रोड पे नहीं गिरे, हमें तो चोरी से कट लगा है, हमें किसी और चीज़ से कट लगा है, कोई ज़ख्म आया हुआ है, तो हम टेटनस क्यों लगाएं? तो ये अपना जहन क्लियर कर दें कि जब भी कोई चीज़ किसी चीज़ की इंटरेक्शन ज़मीन के साथ आती है, वो चोरी हो, वो कोई भी चीज़ हो, और उससे आप लोगों को चोट लगती है, तो इसके लिए टीटी लगाना ज़रूरी है, क्योंकि वो भी ज़मीन के साथ ही उसका इंटरेक्शन आ जाता है। तो चूरे से कट हो, किसी भी और चीज़ से हो, आप लोगों ने ये देखना है कि ये ज़मीन के साथ इसका इंटरेक्शन है कि नहीं है। अगर है तो फिर आप लोग उस चीज़ के लिए टीटी ज़रूर लगाएंगे, और इसकी डोजेज पूरी करेंगे, और उसके बाद जब इसकी एंटीबॉडीज़ बनती हैं तो फिर आप लोगों को 10 साल के लिए ज़रूरत नहीं होगी टीटी इंजेक्शन लगाने के लिए।